नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, श्रावण माह में व्यक्ति को पार्थिव शिवलिंग, बिब्बर मिट्टी के शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, पुराण लिंग, मनुष्य लिंग या पारद शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसमें भी आमजन को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग कैसे निर्माण करना चाहिए, उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए, जिससे जल्द से जल्द हमारी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ तक पहुंचे और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि। दोस्तों, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसे किसी शुद्ध पात्र में या पाट पर स्थापित करें। इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करके कर्पूर जलाएं। अब उस शिवलिंग पर थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर अर्पित करें। अब पुनः थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद गुलाब, अबीर, भस्म, सफेद चंदन, रुद्राक्ष, फूल, फल, प्रसाद आदि अर्पित करें। इसके बाद अंत में शिव जी की आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। इसके बाद किसी गरीब को भोजन कराएं और अंत में खुद भी भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, मिट्टी के शिवलिंग को ही पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग मिट्टी, गौ माता के गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर बनाया जाता है। इस शिवलिंग के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि यह 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पार्थिव पूजन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इस शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पार्थिव पूजन से सभी तरह के दुख दूर होकर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान्य, आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति और व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव पूजन सबसे उत्तम बताया गया है। कहते हैं कि कलि काल में कुष्मांडा ऋषि ने इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ करवाया था। जो भी व्यक्ति मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग पूजन, रुद्राभिषेक करता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये थे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उसके नियम। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।